बता दूंगा तो ओटीपी बोल रहा है, ओटीपी है। गौर सुनिए थोड़ा दोस्त, कंपनी की तरफ से वेरीफाई नंबर है, आपका नंबर का वेरीफाई चालू होने के बाद बंद नहीं किया जाएगा, ठीक है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ, आज का ब्लॉग नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ, कुछ आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ, उससे आप लोगों को सतर्क हो जाए। आप मेरा थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे मैं क्या बताने वाला हूँ। मेरे पास एक कॉल आया था, कॉल कौन नंबर से था मैं सब अंत में बताने वाला हूँ। आप लोगों को वीडियो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और मेरे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अब बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और देखिए, मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुना दिखा रहा हूँ, उसका रिकॉर्डिंग पूरा रिकॉर्ड किया हूँ। मेरे पास कितना सोचा कि मैं हमसे कि मेरे पास कॉल कर कि हाँ कितना से कितना अच्छा से अच्छा बोल के इनको चुना लगा दें, मगर हम उस समझ गए थे अगर ये कॉल हमारे लिए नहीं है, फायदेमंद नहीं है और किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको रिकॉर्डिंग सुना कर दिखा रहे हैं। सुनिए रिकॉर्डिंग। हेलो, नमस्कार सर, मैं जियो कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। जी सर, जो आपका जियो वाला नंबर है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी की तरफ से 6201 वाला जो नंबर है ना आपका सर। जी, 6214 वाला। जी, कंपनी की तरफ से आपका जियो नंबर का वेरिफिकेशन समाप्त हो चुका है, अनलिंक हो चुका है, इस वजह से आपका एक जियो वाला नंबर है ये बंद किया जा रहा है। जी सर, जी जी, आपका पूरा नंबर से जी इसका कंपनी की तरफ से वेरिफिकेशन समाप्त होने की वजह से सर ये नंबर आपका बंद किया जा रहा है, इसको आप चालू करना चाहते हैं इस नंबर को? जी सर, चालू आप इसको करना चाहते हैं तो इस नंबर का वेरीफाई चालू करना होगा सर, कंपनी की तरफ से काफी नंबरों का वेरिफिकेशन समाप्त हुआ है, इसकी वजह से आपका नंबर बंद है। गौर से सुनिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है, थोड़ा आप लोग भी सतर्क से जानकारी मिल जाएगा, मैं कैसा कॉल में आ रहा है मेरे पास, क्या मैं करूं, मैं क्या उसको जवाब दूं, मैं नंबर दूं कि ना दूं, आप लोग जान लीजिए। सर, कंपनी की तरफ से काफी नंबरों का वेरिफिकेशन समाप्त हुआ है, उसमें से आपका जियो नंबर का भी समाप्त हो चुका है। जी, इसकी वजह से आपका नंबर बंद किया जा रहा है, इसको चालू करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कंपनी की तरफ से फ्री में चालू होगा। पैसा नहीं लगेगा, पूरा पैसा कट जाएगा। जी, कंपनी की तरफ से भी इसको चालू करने के लिए सर आपके पास अभी भी एक मैसेज आया है, मैसेज के अंदर 4 नंबर वेरीफाई नंबर दिया गया है, वो 4 नंबर आपको बोलना है क्या नंबर है। देखिएगा, ओटीपी नहीं बोल रहा है, मैसेज बोल रहा है। चार नंबर आया है, मैसेज में 4 नंबर आया है, वो आपको बोलना है क्या नंबर है। वो 4 नंबर मैं दे दूंगा। हाँ, चेक करो। देखिए गाइस, मेरे पास मैसेज आया हुआ है, मगर इसको मैं टाल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इससे हमारे पास मैसेज नहीं गिरा है। बहुत चिटा गया नंबर, बहुत आदमी होती है नंबर सर। चालू करने के लिए ही आपके पास मैसेज आया है, मैसेज में जो 4 नंबर दिया है वो बोलिए आपका नंबर चालू हो जाएगा। ठीक है, नंबर देखो तो क्या हो जाएगा, इससे आपका नंबर का वेरीफाई चालू किया जाएगा, आपका नंबर चालू होगा, बंद नहीं होगा। ओके ओके सर, ओके दे रहे हैं सर। हाँ बोलिए, क्या नंबर है मैसेज में? सर, तो अभी मैसेज तो आया नहीं है। मैसेज आया है, देखिए मैसेज कोई दिखाई नहीं रहा सर। एक मिनट, मैं दोबारा से भेजता हूँ, देखो अभी ये भी आया है। देखिए, इसको कितना जरूरत है इस ओटीपी का, बोल रहा है दोबारा से मैं भेज रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे पास फर्स्ट में आया था ओटीपी, मैं इसको मैं बता रहा हूँ, बताया कि मेरे पास नहीं आया है, बोल रहा है फिर दोबारा भेज रहा है। नहीं गिरा सर, नहीं गिरा अभी। अरे मैसेज आया है, मैसेज में लिखा हुआ है डियर कस्टमर यूज द कोड लिखा हुआ है। जी एक बार सर, मैसेज देख रहा है मैसेज में। जी मैसेज में जा देखो।
गिरा अभी अभी फिर गिरा अभी दो। क्या नंबर दिया उसने? क्या नंबर दिया? दो। सर तुम्हें बता दूंगा तो ओटीपी बोल रहा है, ओटीपी है। गौर सुनिए थोड़ा दोस्तों, कंपनी की तरफ से वेरीफाई नंबर है, आपका नंबर का वेरीफाई चालू होने के बाद बंद नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे 24 आवर्स किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो। सर पैसा कटने के बाद मैं कॉल करूंगा तो आपसे बात होगा क्या? अरे क्यों ही होगा ब्रोकर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप किसी भी टाइम पे इससे कॉल कर सकते हैं। तो सर पैसा कटने के बाद आपसे बात होगा क्या? क्या कटने के बाद? पैसा मेरा कटने के बाद आपसे बात हुआ क्या? अरे आपका पैसा कितने कटेगा भाई साहब? ओटीपी दे देंगे तो पैसा नहीं कटेगा तो क्या कटेगा बताइए दूसरा। अरे एक बार आप मैसेज कर लीजिए, मैसेज में मैसेज कर दे आपको बार बाप बचेगा क्या? मैं मैसेज कर दूंगा तो बचेगा क्या? मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे मोटला पुतला का बात बोले भाई साहब, बोले भाई साहब दूसरे बच्चे तो बोल चुके बनाना हमको नहीं। ऑडियो आपको सुना दिए, आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाइएगा और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि कोई व्यक्ति इस जाल में, इन लोगों को जाल में ना फंसे। इनका कौन ट्रिक है? एक बोलता है लोग यहाँ आपका 25 लाख का लॉटरी लगा हुआ है, इतना दीजिए उतना दीजिए फलना की, वो भी एक ट्रिक है। ये दूसरा ट्रिक है कि आपका नंबर बंद होने वाला है, कोई भड़ा दे नंबर दे देगा, भाई हमारा नंबर बंद क्यों होगा? मैं नंबर पूरा छीट के रखा हूँ, फैमिली में रिश्तेदार में संबंधी में पूरा नंबर दिया हुआ हूँ, फिर नंबर बंद होता किस तरह होगा? इसलिए ध्यान से ओटीपी लोग देता है, कुछ समझता सोचता कुछ ही नहीं है, दे देगा कि मेरा नंबर बंद ना हो, इसीलिए इसी कारण पूरा बैंक बैलेंस पूरा जीरो कर देगा। आप लोग ढूंढते रहिएगा, रोते रहिएगा, आते रहिएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा आप लोग सतर्क हो जाइए, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए कि और लोग के पास इस वीडियो पुगे और इस वीडियो से उन लोगों को कुछ को मदद मिले। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए बना दिया था, इसके बाद ब्लॉग मिलेगा। ऐसा बात नहीं है, कोई ऐसा कुछ ऐसा चीज बताने का रहेगा मैं उसका वीडियो बना दूंगा और मैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके बाय बाय, टाटा।